बिहार के लखीसराय जिले में हो गया है धमाका। मामला सोमवार का है। पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव में हुए बम ब्लास्ट से क्षेत्र में दहशत फैल गया है। धमाका इतना तेज था कि गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि लखीसराय में हुए इस बम ब्लास्ट में बच्चे महिला समेत कुल 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक वलीपुर निवासी शंकर रजक के घर में निर्माण का काम चल रहा था। इसी क्रम में ईंट के नीचे पॉलिथीन में छुपाकर 3 देसी बम रखा था, जो कि दबाव पड़ने से ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट में मंजू देवी, अनीता कुमारी, सुंदरी देवी, सोनू कुमार, बबली कुमारी, दिलखुश कुमार, मणि देवी घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। लखीसराय ASP भी मौके पर मौजूद हैं। धमाके के बाद मकान की तलाशी ली गई, जिसमें 3 जिंदा बम बरामद किए गए। पहले सुनिए जख्मी महिला सुंदरी देवी से आंखों देखा हाल। आप ही का था? हाँ, घर हमारे। आप ही के घर में बम था? घर में नहीं था, घर के बाहर में था। घर के बाहर में था? हाँ, ईटा गिराया ना, ईट एक था। तो कहाँ से आया, कोई पता नहीं? कोई पता नहीं सर। तो कैसे देखे उस बम को? बम पानी में था ना, तो लड़का ने गया, बोला कि देखन बड़की माई, हम की गेंद रखल को, हम कौन चीज रखल को सब भी। तो वह रखल का नहीं, बस फाड़ के मेरा साथ देख लिया, सूत्री को जैसे फाड़ा उसे फट फट उड़ा लगा। वहीं सदर अस्पताल की डॉक्टर ने बताया कि एक के आंख में ज्यादा जख्म है, बाकी घायल लोग खतरे से बाहर है। सुनिए आगे क्या कहा उन्होंने। वलीपुर गांव में बम धमाका से बहुत सारा लेडीज लोग और बच्चा लोग इंजर्ड हुआ है। लगभग कितना होगा सर? लगभग 7 है। क्या स्थिति है सर अभी? खतरा से बाहर है, वैसा कोई गंभीर ये नहीं है। किसी को आँख में थोड़ा सा इंजुरी है और बॉडी पे वो स्पॉट है, रेड स्पॉट। कितना परसेंट लगभग हुआ, क्या मतलब के जो भाई का क्या स्थिति है? बिलो 50%। तो ज़्यादा हाँ, सब उसका इलाज यही होगा? हाँ, इलाज हो जाएगा। यहाँ रेफर नहीं, आँख वाला इंजुरी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ हो सकता है। ज्यादा गंभीर आँख में इंजुरी होगा तो उसको रेफर करना पड़ सकता है। घटना की सूचना मिलते ही ASP सैयद इमरान मसूद मौके पर जांच करने पहुंचे, साथ ही FSL टीम को बुलाया जा रहा है। हम लोगों को सूचना मिली कि वलीपुर गांव है, यहां पिपरिया थाना अंतर्गत, उसमें एक घर में कुछ बम की विस्फोट की आवाज़ सुनी गई है। बम विस्फोट हुआ है, जिसके चलते घर में जो महिला और जो बच्चे थे, कुल 6 लोग थे जो जख्मी हुए हैं, और उनको इलाज के लिए अस्पताल ले गया है। बाकी हम यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम बुला रहे हैं और घटना के संबंध में जानकारी और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया हम लोगों ने। किनके घर में मिला? यहाँ पे शंकर अजक हैं, जिनके घर में कुछ काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का, ईंट वगैरह गिराई थी, तो उसी में इनका कहना है कि कोई पन्नी वगैरह में कुछ सामान था, जिसके चलते बच्चों ने उस पन्नी को खोला और खोलने के बाद फिर उसमें कुछ ब्लास्ट हुआ। उसी में कितना ब्लास्ट हुआ था? यहाँ पे ग्रामीण लोगों ने बताया कि एक ही आवाज़ आई है ब्लास्ट की, लेकिन ब्लास्ट की आवाज़ काफ़ी तेज थी, और उसमें हम लोग अब आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने लोग से बम लाए? कुछ 6 लोग के आसपास की बात है। लाए क्या? अभी वो सब इन्वेस्टिगेशन का इशू है, हम लोगों ने टीम बुलाई है FSL की, वो आकर के जांच करी तब आगे बात करें। जानकारी के मुताबिक शंकर रजक पटना में राजमिस्त्री का काम करते हैं, वहीं लूटन रजक महेंद्र रजक चेन्नई में मजदूरी करते हैं। इस घटना के बाद आगे देखना ये होगा कि जांच टीम की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होती है। लखीसराय से विनोद कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।